और बड़ी खबर आपको बता दें कि इसराइल की आर्मी गाजा पट्टी में घुसकर हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन वहां हमास की सुरंगों ने इसराइल का रास्ता पूरी तरीके से रोक दिया है। गाजा पट्टी की ये सुरंगें एक दो नहीं बल्कि 500 किलोमीटर में फैली हुई हैं। और इन सुरंगों के अंदर हमास के कमांडर खुद भी छिपे बैठे हैं। इन्हीं को मारने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन इसराइल ने प्लान किया है और बड़ी तादाद में यहाँ गोला बारूद भी रखा हुआ है। और अब नेतन्याहू को यही डर लग रहा है कि जमीनी हमले के वक्त कहीं ये सुरंग इजरायली सेना की हार की वजह न बन जाए। गाजा पट्टी, जमीन के नीचे शहर, पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल, सुरंगों का भूल भुलैया, सुरंग में कमरे भी, सुरंग छिपने की बेहतरीन जगह, सुरंग को भेद पाना मुश्किल। क्या गाजा पट्टी की सुरंगों में फंस जाएगा इजराइल? सवाल इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ने जब कहा था कि वी आर एट वॉर, मतलब हम लोग युद्ध में हैं, तभी से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। मतलब 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इजराइल ने गाजा पट्टी को बमों से पाट दिया। लेकिन सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी और 6 से 7 किलोमीटर चौड़ी 3 ओर से इजराइल से घिरी और सिर्फ एक ओर समंदर वाली गाजा पट्टी नेतन्याहू के जला देने वाले बमों के सामने अब तक टिकी है। इजराइल के पास पावर है। गाजा पट्टी चंद हजार हमास के आतंकियों के साथ इजराइल जैसी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ है। गाजा ईंट दर ईंट बिखर रही है, दीवार दर दीवार ठह रही है, लेकिन इजराइल के सामने उसका अस्तित्व अब भी कायम है। कहा जा रहा है कि हमास के अब तक टिके रहने का मुख्य कारण गाजा पट्टी में बनाई गई सुरंगें हैं। इन सुरंगों में हमास ने पूरी दुनिया बसा रखी है, जिससे वो इजराइल के अंदर तक जा सकते हैं और अपने आप को इजराइल के एयर स्ट्राइक से बचा भी सकते हैं। कह सकते हैं कि महीनों तक रहने का इंतजाम इन सुरंगों में हमास के आतंकियों ने किया है। इसीलिए गाजा पर किसी हमले से पहले इजराइल चाहता है कि पूरी जानकारी सुरंगों के बारे में जुटा ली जाए। गाजा पट्टी के नीचे बिछी टेढ़ी मेढ़ी बहुत गहरी, कहीं बहुत संकरी सुरंगें जो 500 किलोमीटर तक में फैली हैं। हमास ने इन 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों के बाकायदा कई एक्सेस पॉइंट बना रखे हैं, यानी शहर में खुलने वाले दरवाजे। ये दरवाजे किसी मस्जिद में, किसी अस्पताल में या किसी स्कूल में भी खुलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हमास के कई आतंकी इन सुरंगों से होकर इजराइल में पहुंचे। इसका सबूत आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ रोशनी का इंतजाम है, आप चाहें तो इन सुरंगों में घूम भी सकते हैं। इसराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ भी इन्हीं में से किसी एक सुरंग में छिपा हुआ हो सकता है। इसराइल ने अंतिम हमास के आतंकी के नाश तक का ऑपरेशन चलाया है, नाम दिया है लोहे की तलवार, मतलब सॉल्ट ऑफ आयरन। अबू शमाला है, इसमें हमास के कम्युनिकेशन और सिग्नल विभाग का प्रमुख मेराद अबू मेराद भी है। האחריות שלנו עכשיו זה להיכנס לעזה, זה לבוא למקומות שבהם החמאס נערך, פועל, מתכנן, משגר, לפגוע בו קשה מאוד, בכל מקום, בכל מפקד, בכל פעיל,
להשמיד תשתיות, במילה אחת, לנצח. गाजा में हमास के कई कमांडर मारे गए हैं, लेकिन हमास की असली लीडरशिप तो कतर में बैठी है। ऐसे में गाजा में हो रहे बड़े बड़े हमलों से हमास को पूरी तरह खत्म करने का इजरायल का मिशन क्या पूरा हो पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इजरायल की जनता भी जानना चाहती है और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी जानना चाहते हैं। ब्लिंकन 5 दिन में दूसरी बार इजरायल पहुंचे तो इससे गाजा इजरायल युद्ध की बढ़ती हुई रेंज और इसके एक बड़े युद्ध में तब्दील होने के खतरे को समझा जा सकता है। I had very good conversations both with the Crown Prince in Saudi Arabia and here in Egypt with President al-Sisi, and also heard, I think, a lot of good ideas about some of the things we need to do moving forward, including practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need. गाजा पर चढ़ाई के लिए इजरायल की फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। गाजा के बाहर इजरायल के टैंक गोले बारूद के साथ खड़े हुए हैं। कमांड सेंटर से जैसा ऑर्डर आया, ये उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कोई कम जिसके कहने पर इजरायल में हमास ने हैवानियत की हदें पार कर दी है, जिसकी साजिश की खबर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक को नहीं लगी। आज हम आपको उसकी हकीकत बताने जा रहे हैं। वॉर कोई नहीं है, यहवा सनवार है, जिसे इजरायल हमास का बिन लादेन कहता है। उसी के एक इशारे पर इजरायल में आतंक की इबारत लिखी गई। अब उसे ठिकाने लगाने के लिए नेतन्याहू बेताब है। इजरायल उसके खात्मे के लिए ताबड़तोड़ गाजा में हमले भी कर रहा है। इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन गाजा में हमास का बिन लादेन। नेतन्याहू करेंगे हमास का सर्वनाश। हमास का ये वो चेहरा है जिसे इजरायल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यही वो चेहरा है जिसने इजरायल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यही वो चेहरा है जिसने हमास के आतंकियों को हैवानियत के हदें पार करने की हिदायत दी। इसका नाम है याया सिनवार। गाजा पट्टी में जब इजरायल ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा था और एक एक करके हमास के कमांडरों को मौत के घाट उतार रहा था, उस वक्त बहुत ही बेसब्री से अगर किसी के खात्मे का इंतजार इजरायल की सेना को है तो वो है याया सिनवार। याया सिनवार वो दिमाग है जिसने मोहम्मद दईफ के साथ मिलकर इजरायल पर हमले का मास्टर प्लान तैयार किया और ये सब कुछ इतने खुफिया तरीके से किया गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद को भी भनक नहीं लगी। यहां तक दावा किया जा रहा है कि अपने इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए सिनवार और दईफ ने ईरान से फंड हासिल किया, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था कि हमास किस तरीके से इजरायल पर हमला करने वाला है। यही वजह है कि याया सिनवार को इजरायल फिलिस्तीन का बिन लादेन कहता है। हमास का शैतान दिमाग 60 साल का याया सिनवार गाजा में हमास का हेड है। सिनवार ने इजरायल की जेल में बिताए हैं 24 साल। 2011 में एक इजरायली सैनिक के बदले रिहा हुआ। 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1300 इजरायलियों का कातिल, 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है सिनवार। सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। हमास के मिलिट्री यूनिट का चीफ है सिनवार। इजरायल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर का हमला इजरायल पर 9/11 जैसा हमला है और इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने में जिसका हाथ है वो है याया सिनवार।
और वो अल कायदा की तरह हमास का बिन लादेन है, जिसे किसी भी हाल में इसराइल ढेर करने की कोशिश में जुटा है। और इसी के लिए इसराइल गाजा में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाला है। हालांकि कुछ समय के लिए गाजा के कुछ इलाके में युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन उत्तरी गाजा में इसराइल तीन तरफ से हमला करने वाला है। समंदर, आसमान और जमीन से यह हमला कभी भी शुरू हो सकता है और इसराइल किसी भी हाल में उस शख्स को नहीं छोड़ने वाला जिसने इसराइल पर इतने बड़े हमले की साजिश रची।